मैं यहाँ पे 2007 से इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन हमारा शौक था कि जब भी करेंगे हम साफ सुथरी फिल्म ही करेंगे, गंदा फिल्म को करना नहीं है। और गंदा फिल्म करना होता तो हम कब के कितना फिल्म और कितना एल्बम बना चुके होते। हमारी बहुत ही साफ सुथरी फिल्म है और सबसे अलग फिल्म है। 2007 से आप फिल्म इंडस्ट्री में आए, मतलब फिल्मों में स्ट्रगल आपने शुरू किया और आपकी पहली फिल्म बनकर 2024 में तैयार हुई, मतलब कितने साल हो गए? 15 साल। जी जी बहुत बहुत मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत स्ट्रगल किया, तब जाके मैं आज इस लेवल पर पहुंचा हूं कि आप लोगों के सामने एक साफ सुथरी एकदम पारिवारिक फिल्म लेके आया हूं। थोड़ा भी अश्लीलता नहीं, कुछ भी नहीं है। देखिए एक होता है ना जिद, जुनून, हमारा जुनून था कि जब भी करेंगे हम यही करेंगे। बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस भी गया, धक्का मार के मेरे को भगाया भी गया वहाँ पे, फिर भी मैं यहाँ पर अड़ा रहा। फिर अड़ने का ही मतलब है कि आपके सामने सचिन चुराली दिलो हमारा साफ सुथरी फिल्म बनकर तैयार है। वो जिद है हमारा, वो जिद जो है अब सिनेमा हॉल में नवंबर में दिखेगा। घर वाले का सपोर्ट रहता है, घर वाले से जो है भैया का, भाभी का, मम्मी पापा सबका सपोर्ट रहता है। मेरे पे कितना तकलीफ होती है मैं ये घर पर कभी नहीं बताया हूँ कि मेरे को आज खाने का नहीं है, मेरे को आज सोने का नहीं है, मेरे को पीने का नहीं है। क्या मतलब, जीत तो हमारा है ना। मम्मी पापा तो बोला नहीं कि तुम ये हीरो बनो, हीरोइन बनो, जो है ये सब बनो। जीत अपना है, पागलपन अपना है, तो फिर हमें अपने ही झेलना है। इसमें माता पिता के बीच में लाना कोई अच्छा नहीं है। हाँ स्ट्रगल किए हैं, बहुत किए हैं, और उसका नतीजा एक सजने चुड़ैल दिलो हमारे आप लोग सामने है। हाँ थोड़ा मुश्किल रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, साफ सुथरी फिल्में बनानी चाहिए ताकि दर्शकों को पसंद आए। और आजकल जो अश्लीलता चल रही है उसके विषय में तो मैं यही बोलूँगा कि ठीक है, अब जो लोग कर रहे हैं वो उनको पसंद आ रहा है, बट हमें तो साफ सुथरी ही फिल्में करनी है। जो हमारे आने वाले प्रोजेक्ट रहेंगे वो भी साफ सुथरे ही रहेंगे, मैं साफ सुथरी फिल्में बनाना पसंद करूँगा। नमस्कार प्रणाम, हम बनी सुधांशु कृष्ण राय। सबसे पहले बिंदास भोजपुरिया के दर्शकों के हमारे तरफ से बारम्बार प्रणाम। भैया नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है गणेश शंकर सोनी। कैसे हैं गणेश भैया? बस अच्छे हैं, आप लोगों की दुआएं आशीर्वाद है। ओके सुधांशु भाई, क्या बताना चाहते हैं? हमारी एक बहुत ही बढ़िया फिल्म आई है सजन चुराली दिलवा हमारा, उसका ट्रेलर कल आया है। कहाँ पे आया है ये आया है ये जुपिटर एंटरटेनमेंट से। ओके तो आप लोग देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शानदार शानदार। सभी माता कौन लोग हैं? कलाकार बताइए कौन कौन है? कलाकार में सब न्यू फेस मिलेगा, जो भी मिलेगा सब नया लोग। हम लोग नया लोग ही कमाल किए हैं, एकदम फ्रेश, एकदम नए, सब नए हैं। बताइए 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 बताइए। इसमें बस गिरीश शर्मा जी हैं, और क्या बोलते हैं, सीमा चंद्रा जी हैं, रागिनी शर्मा जी हैं, सुधांशु कृष्ण राय हैं, हमारे गणेश जी हैं, बाकी ऐसे से राहुल श्रीवास्तव जी हैं, ऐसे से बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन हम ही लोग ने धमाल किया। ओके तो ये आपकी पहली फिल्म है? हाँ ये हमारी पहली फिल्म है भोजपुरी में, जैसे कि मतलब देख सकते हैं इसमें हमने विलन का किरदार किया हुआ है। ओके आप इसमें खलनायक बने हुए हैं? हाँ इसमें मैंने खलनायक का रोल किया हुआ है। और आप भैया? मैं तो इसमें लीड का काम कर रहा हूँ। अब माता बहन चाचा चाची से हमारा विनती बा कि हमारा कितना रोज सब आशीर्वाद देते हैं जब वो आप सबके ऊपर हुआ। अच्छा जब ट्रेलर आया आपका सुधांशु भाई, आपका ट्रेलर आया जब, तो आपको आपके दोस्त जानने वाले रिश्तेदार बधाइयां दे रहे हैं, फोन कर रहे हैं? बहुत 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 ज्यादा बहुत ज्यादा बधाई आ रही है, सबका बधाई आ रही है, मैसेज फुल हो जा रहा है, बहुत खुशी है, बहुत बहुत खुश हूँ मैं। गणेश भाई आप तो खलनायक बने हुए हैं, आपको गालियाँ आ रही हैं? नहीं गालियाँ नहीं आ रही, लेकिन हमें बधाइयाँ जरूर आ रही हैं। अच्छा गांव वाले नहीं बोल रहे कि भैया मुंबई जाके खलनायक क्यों बन गए, हीरो बन गए होते? नहीं ऐसे तो काफी लोग बोलते हैं, बट हमने ये सोचा कि नहीं मुझे खलनायक में अभी उतरना है और खलनायक में ही काम करना है आगे चल के। क्यों खलनायक इतने क्यों पसंद है आपको, बचपन से गुंडागर्दी करते थे? शायद यही मुझे मेरा मतलब ऐसा लगा कि मुझे बचपन में थोड़ा गुंडागर्दी टाइप का ऐसा कुछ था, बट मुझे हाँ बदमाशी थी, बट मुझे मतलब ये करेक्टर थोड़ा अच्छा लगा तो हमने इससे एक बार स्टार्ट किया है, बट आगे चलते हैं। दर्शकों का अगर प्यार रहा, आशीर्वाद रहा, तो हम जरूर आगे देखेंगे कि किसमें किस करेक्टर को अपने को पाना है। ओके सुधांशु भाई क्या कहानी है सजनी चुरा ले ली दिलवा हमारी? अब कहानी तो अभी हम खुलासा कर देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, इतना समझो एकदम झकझोर देने वाली कहानी है, कॉमेडी आपको भरपूर मिलेगी, बस इसके लिए आपको सिनेमा हॉल में जाना पड़ेगा। एक्शन सीन्स भी बहुत सारे देखे गणेश भाई, आप तो उनको बहुत मारपीट रहे थे। हाँ एक्शन सीन तो मैंने किए हुए हैं काफी, मैंने सुधांशु जी को काफी मारा हुआ है उसमें। अच्छा। और सुधांशु जी को मैंने ट्रैक्टर में भी बांध के खींचा हुआ है, तो ये फिल्म में देखने को मिलेगा आपको। अरे वाह सुधांशु भाई, काफी साफ सुथरा ट्रेलर लगा मुझे, कहीं भी अश्लीलता, गंदगी, वल्गैरिटी, कोई ऐसा गाना नहीं जिसमें हीरोइन ने एक्सपोज किया हो, बड़ा साफ सुथरा मामला है आप लोगों की। जी 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 हम लोग, मैं यहाँ पे 2007 से इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन हमारा शौक था कि जब भी करेंगे हम साफ सुथरी फिल्म ही करेंगे, गंदा फिल्म को करना नहीं है। और गंदा फिल्म करना होता तो हम कब के कितना फिल्म और कितना एल्बम बना चुके होते। हमारी बहुत ही साफ सुथरी फिल्म है और सबसे अलग फिल्म है। 2007 से आप फिल्म इंडस्ट्री में आए, मतलब फिल्मों में स्ट्रगल आपने शुरू किया और आपकी पहली फिल्म बनकर 2024 में तैयार हुई, मतलब कितने साल हो गए? 15 साल। जी जी बहुत बहुत मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत स्ट्रगल किया, तब जाके मैं आज इस लेवल पर पहुंचा हूं कि आप लोगों के सामने एक साफ सुथरी एकदम पारिवारिक फिल्म लेके आया हूं। थोड़ा भी अश्लीलता नहीं, कुछ भी नहीं है, और आगे भी हम लोग जो है अश्लील फिल्में बिल्कुल नहीं करेंगे। वाह बहुत शानदार,
15-17 साल आप लोगों ने स्ट्रगल किया और उसके बाद पहली फिल्म बनकर तैयार हुई। गणेश भाई आप तो इस फिल्म के निर्माता भी हैं, आप ही का नाम गणेश शंकर सोनी है जो कि इस फिल्म के निर्माता जी बिल्कुल। तो क्या कोई अड़चन आ रही थी फिल्म बनाने में, कोई दिक्कत हो रही थी? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, फिल्म बनाने में अड़चन नहीं आ रही थी, बट मैंने काफी कुछ सीखा, सीखने के बाद मैंने ये स्टार्ट किया कि नहीं मुझे आगे बैकग्राउंड में फिल्में बनानी चाहिए, तो मैंने स्टार्ट किया फिल्म बनाना। ओके सुधांशु जी, जब आप कहे कि भाई आप 2007 से आए हुए हैं फिल्मों में और काफी साल आपने संघर्ष किया, 15-17 साल का जो है वो वक्त आपको लग गया, इस बीच में कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई फिल्म इंडस्ट्री शायद आपके लिए नहीं है, छोड़ दें गांव चले पुरखों की खेती बाड़ी की जाए? बहुत लगा, लेकिन देखिए एक होता ना जीत जुनून, हमारा जुनून था कि जब भी करेंगे हम यही करेंगे। बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस भी गया, धक्का मार के मेरे को भगाया भी गया वहाँ पे, फिर भी मैं यहाँ पर अड़ा रहा। फिर अड़ने का ही मतलब है कि आपके सामने सजनी चुराली दिलो हमारा साफ सुथरी फिल्म बनकर तैयार है, वो जीत है हमारा, वो जीत जो है अब सिनेमा हॉल में नवंबर में दिखेगा आपको। अच्छा तो रिलीज की तैयारी करी फिर पूरी है गणेश भाई? हाँ रिलीज की तैयारी पूरी हो चुकी है और ये फिल्म नवंबर में रिलीज हो जाएगी सिनेमा हॉल में, थिएटर्स में जी। तो उसके लिए आप लोग कुछ तैयारी कर रहे हैं? हाँ उसके लिए तैयारी चालू है और मतलब पूरी फिल्म पूरी तरह से बन के तैयार हो चुकी है, बस सिनेमा हॉल में जाने के लिए बस रेडी है। ओके सुधांशु भाई, आपने कहा कि लोगों ने आपको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, प्रोडक्शन हाउस से काम नहीं दिया, आपकी बेइज्जती की, कभी ऐसा वक्त आया कि भाई आपको बहुत ज्यादा बुरा समय था, पैसे जेब में थे नहीं, खाने पीने के भी दिक्कतें हो गई थी और घर वालों ने कहा होगा कि क्यों सा हीरो बनना चाह रहा है, घर आजा किसान बन जा? घर वाले का सपोर्ट रहता है, घर वाले से जो है भैया का भाभी का मम्मी पापा सबका सपोर्ट रहता है। मेरे पे कितना तकलीफ होती है मैं ये घर पर कभी नहीं बताया हूँ कि मेरे को आज खाने का नहीं है, मेरे को आज सोने का नहीं है, मेरे को पीने का नहीं है, क्या मतलब जीत तो हमारा है ना। मम्मी पापा तो बोला नहीं कि तुम ये हीरो बनो हीरोइन बनो जो है ये सब बनो, जीत अपना है पागलपन अपना, तो फिर हमें अपने ही झेलना है, इसमें माता पिता के बीच में लाना कोई अच्छा नहीं है। हाँ स्ट्रगल किए हैं बहुत किए हैं और उसका नतीजा एक सजनी चुराली दिलो हमारे आप लोगों के सामने है। लेकिन आज जब ट्रेलर आया होगा, जब आपने इस ट्रेलर का लिंक अपने पिताजी को माताजी को भाई साहब को बहन को सबको भेजा होगा, तब वो लोग खुश हैं? आपको लगता है कि भाई जो आपने संघर्ष किया उसका फल बड़ा मीठा है? खुश तो वो माता पिता, कभी भी नालायक बेटा भी रहेगा तभी माता पिता का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है, भाई का मिलता रहता है। भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, भाई जब भी देखें तो मेरे अकाउंट में 5,000, 10,000, 20,000 रुपये बिना पूछे ही डालता रहता है, और मतलब मुंबई का खर्च बढ़ सोचिए कि एक तरफ से वही निकाला, तब जाके मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। उन भाई साहब का क्या नाम है और आप उन्हें कुछ कहना चाहते हैं? आप उन्हें हमारे जरिए कम से कम शुक्रिया कहना चाहते हैं, आप उनका आभार मानना चाहते हैं? बहुत 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 ज्यादा, मैं अपने बड़े भाई का बहुत ज्यादा आभार मान रहा हूँ और उनका ही लिखा हुआ ये फिल्म मैं कर भी रहा हूँ, परमांशु कुमार राय उन्होंने ये फिल्म को लिखा हुआ, उनकी कहानी उनकी स्टोरी है। तो अगर वो देख रहे होंगे इस वक्त आपको, परमांशु भैया जिन्होंने कहानी लिखी है, कहानी लिख के दे दी आपको, आपके खर्च के लिए पैसे दिए, आपको एक तरह से खिलाया पिलाया, दूसरे पिता की तरह मुंबई में पाला, जी जी, वो भाई आज खुश है? वो बहुत 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 ज्यादा खुश हैं और खुशी दिख जाती है, खुशी दिख जाती है और मैं खुश हूँ तो समझे कि मेरा परिवार भी खुश। आप रो रहे हो? रोने का कोई मतलब नहीं है, कोई बनता भी नहीं है, जब सामने है तो रोने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब तो होना ही पड़ेगा, इतना तकलीफ सह के जो आए हैं वो, चाचा बहन माता पिता सबसे ये गुहार बाकी हमारे फिल्म सुपर डुपर हिट करी सब है और पारिवारिक सिनेमा बा एक अपन लाड प्यार दुलार सब दिए ताकि बेटा जो बा आगे भी अच्छी फिल्में बना सके, साफ सुथरी फिल्म बना सके, जो भी भोजपुरी में अश्लीलता चलत बा खत्म कर सके। गणेश भाई सवाल तो यही है कि जब आप लोगों ने इतनी तकलीफें सही, इतने धक्के खाए, बेइज्जतियां सही, भूखे रहे, लेकिन फिर भी आप लोगों ने शॉर्टकट नहीं अपनाया, कोई गंदी फिल्म नहीं बनाई, कोई चुनरी लहंगे वाला एल्बम नहीं बनाया, आप लोगों ने एक साफ सुथरी फिल्म बनाई, बड़ा मुश्किल रहा होगा? हाँ थोड़ा मुश्किल रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं साफ सुथरी फिल्में बनानी चाहिए ताकि दर्शकों को पसंद आए, और आजकल जो अश्लीलता चल रही है उसके विषय में तो मैं यही बोलूँगा कि ठीक है अब जो लोग कर रहे हैं वो उनको पसंद आ रहा है, बट हमें तो साफ सुथरी ही फिल्में करनी है, जो हमारे आने वाले प्रोजेक्ट रहेंगे वो भी साफ सुथरे ही रहेंगे, मैं साफ सुथरी फिल्में बनाना पसंद करूँगा। सुधांशु जी ज़्यादातर कलाकार आपकी फिल्म में नए हैं, आप भी नए हो, आपके मित्र गणेश भाई भी नए हैं, अभिनेत्री भी नहीं है, ज्यादातर कलाकार नए हैं और आपके सामने बहुत बड़े बड़े कलाकारों की फिल्म रिलीज होती है, तो आपको क्या लगता है कि भाई नए कलाकारों को लोग उस तरह से प्यार आशीर्वाद देंगे? देखिए मेरा किसी से कंपेयर नहीं है, मैं मेरी उतनी औकात नहीं, मैं छोटा सा आदमी हूँ, बस सबका आशीर्वाद से ही मैं जो भी हूँ सबका आशीर्वाद से ही सबका दुलार से ही रहूँगा, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, उनकी फिल्म अलग हमारी फिल्म अलग, हमारी छोटी फिल्म है जो भी है सो बस साफ सुथरी फिल्म है, मैं बस ये लेकर चलूँगा मेरी पारिवारिक और साफ सुथरी फिल्म है, इसके लिए दर्शक जरूर आएंगे, दर्शकों का प्यार हमें जरूर मिलेगा। गणेश भैया आप खलनायकों में आपका पदार्पण हुआ है, एंट्री हुई है आपकी,
आपको लगता है किसी को आप फॉलो करते हैं, किसी को एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं भोजपुरी में, आपको लगता है कि भैया कौन नंबर वन खलनायक है फिल्मों का? नहीं वैसा तो मैं किसी को मतलब अभी तक फॉलो नहीं किया हूँ, बट काफ़ी लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं, तो मैं भी चाहता हूँ कि मतलब एक एक अच्छी तरीके से मैं भी यहाँ पे अपना मतलब बात करें वर्चस्व थोड़ा स्थापित करूँ, क्योंकि मैं मुझे एक मतलब विलेन के रोल में थोड़ा सा अच्छा लगता है कि करना एक्टिंग, तो मैं चाहता हूँ विलेन में ही काम करूँ थोड़ा, तो मैं देखूँ, बट मैंने किसी को अभी तक फॉलो नहीं किया है। जी भाई साहब, आप किसी हीरो पर्टिकुलरली हीरो को बहुत पसंद करते हैं, किसी के फैन हैं आप सुधांशु जी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में? मैं सबका फैन हूँ, मैं सबका दीवाना हूँ, सब अपना काम करते हैं, सब अपना, सबका अलग स्टाइल है, सबका अलग स्टारडम है, मैं किसी से कंपेयर नहीं करता, सब अच्छे हैं, मेरे लिए सब अच्छे हैं, सब एक समान है। अब मैं भी उतर गया उन भाइयों में, मैं भी उतर गया हूँ, तो थोड़ा बहुत मेरा भी उन भाइयों के साथ नाम जुड़ेगा ही। तो सोचिए, अगर फर्ज कीजिए आपको एक फिल्म का ऑफर आए, तो आप सबसे पहली फिल्म किसी सुपरस्टार के साथ करना चाहेंगे तो वो कौन सा है? जो भी मेरे साथ आएगा, छोटा भी कलाकार आएगा तो मेरा स्वागत है, सब सबके साथ, मेरा किसी का नाम नहीं है। गणेश भैया, आप ये तो सजनी चुरा ले लें, दिलवा हमारा तैयार है, ट्रेलर भी आ गया है, लोग अच्छे कमेंट भी कर रहे हैं जी, रिव्यूज भी आपको अच्छे मिल रहे हैं जी। अब अगला क्या? अब अगला ये है कि हम सिनेमा हॉल तक पहुंचेंगे और सिनेमा हॉल में हमारी फिल्म को दर्शक देखेंगे, जो हमें प्यार आशीर्वाद दुलार मिलेगा, उसके बाद में हम एक नई फिल्म का फिर से निर्माण करेंगे, जो कि आने वाले टाइम में एक अच्छी फिल्म, साफ सुथरी फिल्म रहेगी। कब से शुरू होगी सुधांशु भैया नई फिल्म? 2021 क्या बोलते हैं 2025 आने वाला है, 2025 से करेंगे हम लोग। अभी इसको विमल पांडे एंटरटेनमेंट द्वारा रिलीज किया जा रहा है, उसके बाद हम देखेंगे। तो मतलब इस फिल्म की रिलीज के बाद आप लोग नई फिल्म की तैयारी में? जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी साफ सुथरी फिल्म रहेगी, ऐसी ही साफ सुथरी फिल्म, थोड़ा भी अश्लीलता नाम की कोई चीज नहीं रहेगा। शूटिंग के दौरान कई सारे किस्से होते हैं गणेश भाई, जो हमें याद रहते हैं, कभी कभी थोड़े अच्छे होते हैं, कभी कभी थोड़े से नमकीन होते हैं। कोई ऐसा किस्सा याद है कि भाई शूटिंग में बड़ा यादगार रहा हो, जो आपको हमेशा याद रहे? शूटिंग में एक किस्सा अच्छा था कि मतलब मैं सुधांशु जी को फाइट में मार रहा हूँ, तो सुधांशु जी थोड़ा डर रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं, डर रहे हैं, तो वो एक किस्सा था कि मतलब मैं इनको मतलब डंडे से मार रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा एक मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा लगा कि भाई वो डर रहे हैं थोड़ा, और मेरे लिए भी थोड़ा सा ह्यूमर आ गया उसमें। हाँ, तो वो एक वाकया याद रहेगा हमारे लिए। अच्छा, क्या सीन था मतलब? सीन ये था कि मैं सुधांशु जी को एक डंडे से मार रहा था, ये बाइक से आ रहे थे और मैं इनको डंडे से मार, हाँ वो ट्रेलर में भी शायद सीन है। तो वो इसमें कैसा है कि सुधांशु जी डर गए थे, तो मुझे वो वाकया हमेशा याद रहेगा, वो मेरे लिए यादगार पल है। भैया क्यों डर गए थे? आपको लगता था कि कहीं सही में ना ठोक दे? अरे ऑन द स्पॉट बाइक से रनिंग करके आना का शॉट था, हाँ स्पीड में शॉट था, इनको जो है पहले से शूटिंग में आदमी जो है फ्रस्ट्रेशन में रहता, ये रहता है, डायरेक्टर साहब ने इनको बांस का फटहा दे दिया पूरा लंबा सा, अब मैं आ रहा हूँ चलते में इनको शॉट था कि मारना है, मेरी एकदम तो सुनिए फट गई कि भाई सही में लग जाए तो सही में ये हो जाएगा, क्या अब फट गई थी सही में फट गई। ट्रेलर में भी सीन है, वो क्या करते वो एडिट में निकाला गया, समझे कि मैं दूर से ही जो है उसको स्विमिंग करके निकल गया, बाइक जो गिरा, लेकिन जो भी अच्छा हुआ, लेकिन चोट नहीं लगी, चोट तो रियल में फिल्म में दिखेगी आपको, चोट लगा था वहाँ पे, लेकिन मैं बताया नहीं, लेकिन चोट लगा था क्योंकि वो रियल काम था वो। ओके, आप दोनों में से कोई सिंगर है? नहीं अभी तक तो ऐसा कोई सिंगर नहीं है, बट आगे आने वाले टाइम में देखेंगे कैसा क्या है। आप गाना गाते हो सुधांशु भाई? अगर सिंगर रहता तो कब का स्टार रहता, क्योंकि जब से मैं इसमें हूँ उस समय सिंगर का ही दौर था और सब निकल गए और मैं आज आपके सामने पड़ा। तो कोशिश क्यों नहीं की सिंगिंग की? कभी उसमें चॉइस ही नहीं हुआ, सिंगर बनने का कोई चॉइस ही नहीं हुआ, मेरा बस था कि एक्टिंग करना है, शुरू से एक्टिंग था, एक्टर ही बनना जी, एक्टर ही बनना है मेरे शुरू से ही था। गणेश भाई आपको भी एक्टर ही बनना था? हाँ, मैंने ये जो बचपन से सोचा था कि मुझे एक्टिंग करना है और एक्टर बनना है, तो वो सपना लेके मैं मुंबई आया था और यहाँ के माता रानी के आशीर्वाद से और हमारे गणपति बप्पा के आशीर्वाद से ये पूरा हुआ, तो ये मेरे लिए अच्छा लगा। अब आप खुश हो एकदम? हाँ खुश हूँ, और मैं फिल्म ही बना रहा हूँ, तो वो भी उसको भी लेके मैं खुश हूँ कि मैंने मेकिंग का भी काम किया। वाह शानदार। अच्छा कुछ कहना है जाने से पहले सुधांशु जी ऑडियंस को? सिर्फ मैं यही कहूँगा माता बहन चाचा जी जितना भी बहनी ये सब भी भोजपुरी दर्शक ये वीडियो देख रहा बा कि अधिक से अधिक संख्या में पहुँच के ये फिल्म के देखें और परिवार सहित जाएं सिनेमा हॉल में देखें ताकि फिल्म सुपर डुपर हिट हो सके। आपको भैया गणेश भैया? हाँ बस यही दर्शकों से यही अनुरोध है कि हमारी फिल्म को देखें, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाएं। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू थैंक यू सुधांशु भाई। थैंक यू थैंक यू सर।